वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वॉल्यूम्स भी गिर रहे हैं क्या लोग? वॉल्यूम्स भी गिर गए। तो ये जो आप अक्सर हमें बताते रहते हो कि रियल एस्टेट में बहुत तेजी, तो मकान बन कैसे रहे आजकल? सीमेंट नहीं लगता क्या? रेती ज्यादा, रेती भी महंगी है, लेकिन रेती महंगी है, पता नहीं कैसे बना पा रहे बन कैसे रहे मकान यार। इंटरेस्टिंग है, सीमेंट नहीं बिक रहा लेकिन मकान बन रहे हैं, रियल एस्टेट में तेजी है। खैर, टाटा मोटर्स मेरी टीम में है, आज इसके नतीजे आने हैं और मैंने इसको रेडी में रखा है, कल भी था, और कमज़ोर रहेगा। उसके पीछे रीज़न ये है, देखिए हो सकता है नंबर आपको उतने जैसे भी आएंगे हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन मैं तो उस बात को मान रहा हूँ जो TSMC ने कहा है कि चिप की कीमतें बढ़ेंगी दूसरी बार, और इसलिए बढ़ना ज़रूरी क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट है, और अगर दाम नहीं बढ़ाएंगे तो सप्लाई बड़ा मुश्किल हो जाएगी। एक दूसरा, जिस तरीके से चाइना में सेल्स गिरी है 35% इस महीने में, और अमेरिका में बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, तो मैं लगता है कि अगर आप फ्यूचर डिस्काउंटिंग करेंगे ना, अब आप भी लोग कहते हैं कि मार्केट आगे 6 महीने देख के चलता है, तो आगे मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा ऑटो के लिए जिस तरह के माहौल बना हुआ है, तो मैं लगता है कि ये दबाव में रहना चाहिए। हालाँकि स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है, 400 के नीचे आ गया है, तो सब स्क्रीन पर रखिएगा। मार्केट आजकल आधा आधा घंटे में पलट जाता है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। PNB के नतीजे सुना है बहुत ही कमज़ोर आए हैं, और जो मुनाफे का अनुमान लोग लगा के चल रहे थे उससे तो बहुत ही नीचे आए हैं, तो दबाव यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये दो रेड ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपने ग्रीन वाले, ONGC, OIL, HOEC। अब देखिए एक एक दिन का मूवमेंट कैसा है, पिछले 2 दिन गिरा, ऑयल गिरा तो ONGC गिरा, आज ऑयल चला तो ONGC चलेगा। एक्चुअली ये $110 की जोन में फिर से आया है। फंडामेंटली ऑयल के प्राइसिंग में या ऑयल की डिमांड में कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत सारी खबरें हमने आपको रोज़ बताई हैं कि OPEC क्या कह रहा है, US क्या कह रहा है, रशिया क्या कह रहा है, चाइना में डिमांड क्या हो रही है, तो ऑयल की जो ट्रेंड लाइन है वो मजबूत दिख रही है। इसलिए ONGC दिखाइए ना, मैं तो ONGC की बात कर रहा हूँ, आप PNB क्यों दिखा रहे हैं? तो ONGC, OIL और HOEC, ये तीन हमें लगता है कि आज बाउंस करना चाहिए, यहाँ पर एक मजबूत ट्रेड हो सकता है। तो ये तीन पाँच हो गए मेरे, छठवें बताया था उसको ख़त्म होता है। हिंडाल्को रेड में रहना चाहिए, इसलिए कि एल्युमिनियम के प्राइसेस में बहुत सीरियस करेक्शन ग्लोबली देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से जो प्राइसिंग पावर थी वो जा रही है, तो मुझे लगता है कि हिंडाल्को पे असर है। और ये एक समय सवा 635 का हाई इसने बनाया था, अभी 422 पे आ गया है, और अभी भी दबाव रहने की संभावना है, तो मुझे लगता है हिंडाल्को में और प्रेशर देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे हैं अभी NCC। अब वैसे NCC और बाकी सब प्लेयर्स जो हैं अब तो ऑफ रडार ही चले गए, तो ये ऐसा नहीं कि बहुत रिच वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, ठंडे पड़ चुके हैं ऑलरेडी, पर वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फिर भी रेड कार्ड क्लासिफाई कर रहा हूँ। अब वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आए तो फिर भी क्योंकि ऑर्डर बुक्स तो सबकी स्वेलिंग है, तो 22-23% आए बड़ी, उसके सामने हुआ क्या, EBITDA 12% गिर गया, मार्जिन्स 11% के घटकर 7.7% पे पहुंच गए, और इसीलिए वीक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते NCC को रेड क्लासिफाई कर रहा हूं। और एक और लाल में रख रहा हूं, वो है इंडियन बैंक। हालांकि बैंक स्वीट स्पॉट में, पर लार्जली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे इस समय है, पर फिर भी इंडियन बैंक के स्लिपेजेस काफी एलिवेटेड है। क्यों? ऑन इंटरनल्स की बात कर रहा हूं, ऑन द फेस ऑफ इट तो ठीक है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती हुई दिखती है आजकल सब बैंक में, PNB में भी दिख गई थी। Q-on-Q स्लिपेजेस में 20% से ज्यादा का उछाल है। PNL जो इसका है, इसका जो कारोबारी मुनाफा है, Q-on-Q देखेंगे आप वीक ही नजर आएगा, इसीलिए इसमें शायद थोड़ा सा प्रेशर आज कंटिन्यू हो, रेड पे रख रहा हूं। क्विकली आपके हो गए ना छे, क्विकली छोटा सा